سمير انا نعرفها من زمان حوالي 5 سنين مو مو خوب استي بوين است ठीक है مختلف ملکوں کے ریفیوجیز یہاں پر ہوتے تھے کرونا وائرس نے بہت زیادہ لانجے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر بہت مسئلے بنائے ہوئے ہیں Assalamualaikum दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूं अल्लाह का फजल है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कमेंट्स किए और इतना इंटरेस्ट दिखाया तो कुछ फ्रेंड्स ने असाइलम के बारे में पूछा कि असाइलम का यहां पर क्या प्रोसीजर है तो इसके बारे में तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों को कैंप ही दिखा दूं तो ये जनाब कुवे का कैंप है जिधर हम रहते हैं लेकिन अनफॉर्चूनेटली ये कैंप जो है अभी बंद हो चुका है मतलब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं इंसान पड़ा हुआ है यहां पर लोग नहीं है अभी तो यहां पर मेरा एक दोस्त है जो यहां पे काम करता है तो मैं उसको कॉल करता हूं तो देखते हैं कि वो निकलता है तो उसके साथ बात करते हैं तो वो ईरान का है जो हमारे ईरानी फ्रेंड्स हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी देख लेंगे और देखते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो क्या कहता है अभी मैंने उसको कॉल मिलाई हुई है अस्सलाम वालेकुम मोमो खूब हस्ती पॉइंट हस्ता पॉइंट तमी दरवाजा हां दरवाजा हस्ता मैं ही जी तो गाइस वो कह रहा है कि वो आ रहा है मैंने कॉल कर लिया वो मेरा ख्याल है जो है वो आ गया है ये हमारा दोस्त अस्सलाम वालेकुम सलाम खूब हस्ती जो नजर खैरती ठीक है पा हो जनाब कैंप के अंदर हम आ गए तो बोला है बहुत बड़ा कैंप है यहां पर एक्चुअली मैं नहीं रहा ठीक है ये आप देख सकते हैं ये कमरे ठीक है ये दो बंदों का रूम हुआ करता था यहां पर आप देखें ये मजे के ये जो है ये भी है तो हाथ धोने वगैरह के लिए ठीक है ये वॉशरूम देखें ये वॉशरूम हुआ करते थे किसी जमाने में ठीक है लेकिन अभी एक्चुअली इन लोगों का जो काम है जो मेरा दोस्त है तो इसका काम ये है कि इसका जितना भी काम है वो निपटा कर खत्म कर देना है तो ये जनाब मेरे दोस्त यहां पर खड़े हुए बैठे हुए थे थोड़ी देर में उनके साथ भी बात करते हैं लेकिन पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा दूं ये आप देखें ये दफ्तर मतलब ये चीजें पड़ी हुई हैं ठीक है तो बहुत ही बड़ा कैंप है ये जो था मोमो ये जो जगह थी ये टीवी लॉन्च था मोमो के साथ अभी बात करेंगे थोड़ा सा मोमो अभी बिजी है तो ये जो जगह थी ये इकदम एंजॉय किया टीवी लॉन्च बूथ बड़े टेलीविजन बूथ अच्छा तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये टीवी लॉन्च था ठीक है देखें काफी बड़ा है ये टीवी लॉन्च था यहां पर टीवी हुआ करता था तो जब यहां पर लोग होते थे तो वो यहां पर बैठकर टीवी देखा करते थे अब देखें यहां पर जनाब ये व्हाइट बोर्ड है ठीक है ये बोर्ड है ब्लैक बोर्ड सॉरी तो जब यहां पर स्कूल हुआ करता था ये क्लास ये जो ये स्कूल की क्लास हुआ करती थी तो यहां पर लोग ये बैठकर ये चाक वगैरह भी पड़े हुए हैं ठीक है अलमारियां आप देख सकते हैं ये अलमारियां हैं ठीक है तो ये होता था गाइस ये था यहां का कैंप मतलब जो रिफ्यूजी होते थे वो यहां पर रहते थे ठीक है مختلف ملکوں کے ریفیوجیز یہاں پر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اسائلم کا جیسے اپ لوگوں نے پوچھا کہ میں ایک دفعہ پھر اپ لوگوں کو اسائلم کے بارے میں بتاؤں تو گائز بات اس طرح ہے کہ جیسے میں نے اپ لوگوں کو بتایا اسائلم جب یہاں پر اپ کرتے ہیں اپ جب یہاں پر آتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں تو اپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپ ڈائریکٹ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس جانے کے لیے اپ کو پولیس کو کال کرنی پڑتی ہے یا अगर वो जो असाइलम सेंटर होता है अगर उसको आप डायरेक्ट उसकी तरफ चलते हो तो वेल एंड गुड नहीं तो आप पुलिस की तरफ जाते हो और पुलिस को कहते हो कि मैंने असाइलम करनी है वो आपका जो असाइलम प्रोसेस है ये देखें आप ये बेड पड़े हुए हैं अभी तक पड़े हुए हैं यहां पर लोग रहा करते थे किसी टाइम ये दो-दो बेड है कोई ज्यादा लांजे वाली बात भी नहीं है और ज्यादा यानी रश नहीं हुआ करती थी इस कैंप में तो आप देख सकते हैं कि ऊपर भी देखते हैं तो जब यहां पर आप पुलिस वाले के पास चले जाते हो पुलिस वालों को अपना आप मुद्दा बता देते हो कि मैंने असाइलम करनी है तो पुलिस वालों का काम ये होता है कि वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल जब आप स्टैटिक में आते हो तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जनाब आपको वो एक टेंपरेरी सा कैंप होता है जहां पर आपके फिंगरप्रिंट और डाटा बायोडाटा वगैरह वो लेते हैं तो वो लेने के बाद कुछ दिन आपने वहां पर रहना होता है उसके बाद जनाब आप उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है तो आप जाते हो दूसरे कैंप में मतलब वो जो टेंपरेरी कैंप होता है उससे आप परमानेंट कैंप में ट्रांसफर हो जाते हो तो ये जो टेंपरेरी कैंप होता है इसमें इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं गुजारना पड़ता मतलब
वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन 1 मार्च 2019 के बाद जो कानून बना हुआ है तो उसमें ये है कि आपने 140 दिन वो जो टेम्पररी कैंप है उसमें आपने 140 दिन गुजारने हैं, ठीक है। 140 दिन गुजारने के बाद आप को ये लोग, अगर आपका जो स्टेटस है अगर वो पॉजिटिव है, यानी अगर आपके किसी और मुल्क में फिंगर वगैरह नहीं है, तो आप आसानी से दूसरे कैंप में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपके फिंगरप्रिंट होंगे दूसरे मुल्क में या आप डुबलिन कहलाएंगे तो आप ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी ये जो 140 दिन है उसके बाद भी आप ट्रांसफर नहीं होंगे और आप इसी कैंप में रहेंगे। लेकिन हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव की। अगर आप पॉजिटिव है तो आप 140 दिन के बाद परमानेंट जो कैंप होता है उसमें आप ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और उस कैंप में जब आप ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो होता है यानी परमानेंट कैंप। वहां पर आपने रहना होता है 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, डिपेंड करता है आपकी लक पे और डिपेंड करता है आपके केस पे, यानी आपका केस क्या है और आपका जो जो कंट्री है आपकी तो वो क्या है, क्योंकि कंट्रीज पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे मुल्क होते हैं जिनकी असाइलम नहीं होती, ठीक है, तो कुछ ऐसे मुल्क भी होते हैं जिनकी असाइलम फौरन ही एक्सेप्ट की जाती है, जैसे सीरिया के हो गए, जैसे इरिट्रिया के हो गए, जैसे अफगानिस्तान के हो गए, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ पर पाकिस्तानियों से जिन्होंने असाइलम की हुई है और वो पड़े हुए हैं, उनके पास कागज है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आप उस परमानेंट कैंप में चले जाते हो तो उस परमानेंट कैंप में आपको 1 साल 2 साल रहना पड़ता है, आप वेट करते हो अपने इंटरव्यू का, जो आपका दूसरा इंटरव्यू होगा, क्योंकि 2 इंटरव्यू लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू जो ये पहला कैंप होता है उसमें, दूसरा इंटरव्यू जो ये दूसरा मतलब दूसरा इंटरव्यू आपका वो बड़े कैंप में आएगा वो काफी टाइम बाद आता है, मतलब 1 साल 2 साल बाद वो आपका जो इंटरव्यू है वो आएगा। तो उसके बाद जब वो आपका इंटरव्यू हो जाता है बड़े कैंप में, मतलब बड़ा जो इंटरव्यू आपने दिया होगा, तो जब वो आपका हो जाता है तो अगर आपने इंटरव्यू सही दिया है तो आप जनाब पॉजिटिव कहलाएंगे, आपका जो डिसीजन आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये है कि आप स्विट्जरलैंड का रेजिडेंट बन गए हो, ठीक है। जो पॉजिटिव लेटर होता है उसमें सबसे पहले यही लिखा होता है डिसीजन पॉजिटिव, तो इसका मतलब यह है कि फिर आप स्विट्जरलैंड में रेजिडेंट बन गए हो और फिर यहाँ पर आप अपने लिए घर ढूंढो और अपने लिए काम ढूंढो, जैसे यहाँ का एक शहरी करता है, ठीक है। तो और इसके अलावा गाइज अगर बात की जाए सैलरी की, तो यहाँ पर देखें मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर सिस्टम इस तरह है कि यहाँ पर जब आप काम करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास परमिट है, अगर आप रेजिडेंट हैं इस मुल्क के, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने लिए काम ढूंढते हैं, ठीक है। तो अपने लिए काम ढूंढने के बाद जनाब जो अगर आपका काम 100% होगा, तो 100% में ये होता है कि अगर आपका काम 100% है तो आप जनाब काम करते हैं 100%, और जो 100% की सैलरी होती है वो तकरीबन यहाँ पर 3800-4000 मतलब मैक्सिमम 4200 तक होती है पर मंथ, मतलब 4200 आपको मिलते हैं पर मंथ, तो काफी ज्यादा है, मतलब 4200 तकरीबन पाकिस्तानी 7 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है, 7 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कम काम करते हैं, फर्ज करें आप 50% करते हैं, तो आप उसी 42 को आधा कर लें तो 50% हो जाता है, यानी तकरीबन 2000 तक आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने ब्लैक में काम करना होगा तो बस आप कहीं पे भी काम ढूंढ लो और जो आपका मालिक होगा, ठीक है, वो उसकी मर्जी है कि वो आपके साथ क्या करें। लेकिन मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि आप जब भी यूरोप में आए तो देसियों के साथ काम नहीं करें, कोशिश करें कि गोरों के साथ काम करें, क्योंकि जो देसी होते हैं ना तो वो आपसे गलत फायदा उठाते हैं, मतलब काम आपसे ज्यादा लेते हैं, पैसे आपको कम मिलते हैं, ठीक है। तो 4200 रुपए मंथली मतलब आप यहाँ पर कमा सकते हो अगर आप 100% काम पे लगे हुए हो, ठीक है, तो काफी ज्यादा है, 7 लाख रुपए आप कमाओ, उसमें तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर बिल भी देने होते हैं, किराया भी देना होता है घर का, तो काफी चीजें हैं जो आपने खुद करनी होती है, क्योंकि जब आप 100% हो जाते हो तो आप इंडिपेंडेंट कहलाते हो, तो जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो लाजमी बात है सब कुछ आपने खुद करना है। तो चलिए चलते हैं मोमो के साथ। मोमो मेरा दोस्त है, मोहम्मद सुलांकी नाम है इनका, ईरान से है, तो मोमो हम इनको प्यार से कहते हैं। जब हम कैंपों में हुआ करते थे मैंने और इसने तकरीबन 2 साल इकट्ठे ही एक कैंप में गुजारे हैं। तो चलते हैं मोमो के साथ भी बात करते हैं। मोमो फारसी बोलता है लेकिन बाद में मैं उसको ट्रांसलेट कर लूंगा। امروز شما رو دیدم و اومدید اینجا، جاییه که من دارم کار میکنم توش، در واقع یه سانتخی بوده برای عزیز، 11 سال 12 سال خدمت داشته اینجا برای عزیز، ولی متاسفانه به خاطر مسائلی که توی دولت سوئیس اتفاق افتاده و به یه نوعهایی نخواستن و دوست ندارن اینجا رو تعطیل کردن،
و اینکه ایزوله کردن بچه‌هایی رو که وارد اینجا به عنوان پناهجو میشن ایزوله شدن. شهری به نام یه منطقه‌ای به نام تتوقان، این تتوقان در واقع بالای کوه، در واقع ما الان اینجا کار میکنیم. من از اینکه 6 سال اینجا هستم و خیلی متاسفم داریم زمانی داریم این برنامه رو با هم دیگه الان گرفته که موقع این ویروس کرونا دنیا رو خطر انداخته، مخصوصا خیلی متاسفم ایران و ایرانی سخت داره واسهشون میگذره و واقعا متاسفم که این اتفاقا واسه ایرانی‌ها داره میفته.